वेलकम टू द अनदर लेक्चर ऑफ फोटोसिंथेटिक्स। तो इस लेक्चर में हम मेनली बात करेंगे, एक यूनिट की बात करेंगे जिसमें प्लांट खाना बनाता है और उस यूनिट को बोलते हैं कॉन्टोसोम। तो कॉन्टोसोम एक तरह का यूनिट है फोटोसिंथेसिस का जिसमें प्लांट खाना बनाता है। इसमें कॉन्सेप्ट को समझा जाए तो कॉन्सेप्ट में क्या बोलता है, इसमें ये बोलता है कि प्लांट के पास मेनली दो टाइप के पिगमेंट होते हैं, एक क्लोरोफिल ए जो मेन पिगमेंट है और इस पिगमेंट को बोलते हैं रिएक्शन सेंटर पिगमेंट। ठीक है, इस पिगमेंट क्या बोलते हैं, रिएक्शन सेंटर पिगमेंट। ठीक है, उसी तरह इसके आसपास भी अदर पिगमेंट हैं जैसे क्लोरोफिल ए बी सी कैरेटिनॉइड फाइकोबिलिन्स राइट, इस टाइप के पिगमेंट अदर पिगमेंट है और इस अदर पिगमेंट को ही हम बोलते हैं एक्सेसरीज पिगमेंट। मतलब प्लांट के अंदर दो पिगमेंट हैं, एक को बोलते हैं रिएक्शन सेंटर पिगमेंट, दूसरे को बोलते हैं एक्सेसरीज पिगमेंट। मतलब प्लांट जो है खाना कहाँ बन रहा है, किसकी वजह से बन रहा है, रिएक्शन सेंटर पिगमेंट, और एक्सेसरीज पिगमेंट क्या कर रहे हैं, कलेक्ट करके एनर्जी को ट्रांसफर कर रहे हैं रिएक्शन सेंटर पिगमेंट। तो इसी पूरे स्ट्रक्चर को ही हम बोलते हैं एंटीना कॉम्प्लेक्स। तो एंटीना कॉम्प्लेक्स क्या है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ द पिगमेंट, इट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल पिगमेंट विच हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेटिक्स। कहने का मतलब ये है कि जितना पिगमेंट प्लांट यूज कर रहा है प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस को कंप्लीट करने में, दैट्स कॉल्ड द एंटीना कॉम्प्लेक्स। और एंटीना कॉम्प्लेक्स दूसरे नाम से बोलते हैं, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, सिंपल सा क्या है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स या एंटीना कॉम्प्लेक्स बात करता है कलेक्शन ऑफ पिगमेंट जो प्लांट को फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प कर रहा है। ठीक है, ये हमारा एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कॉन्टोसोम की। कॉन्टोसोम के डिफिनेशन के बाद इसके एक दो रिजल्ट ऑब्टेन होते हैं, एक रिजल्ट जो PS1 से जुड़ा है और एक रिजल्ट जो PS2 से जुड़ा है। सबसे पहले बात करें PS1 रिजल्ट के बारे में, तो PS1 को P700 नैनोमीटर बोलते हैं, हमने प्रीवियस लेक्चर में बात किया था P700 क्या होता है। ठीक, तो अब क्या है, अगर ये क्या है आपका एक क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल ए क्या है आपका रिएक्शन सेंटर पिगमेंट, और उसके आसपास जो अदर पिगमेंट है दैट्स कॉल्ड द एक्सेसरीज पिगमेंट, और दोनों मिलके ना क्या बना रहे हैं, एंटीना कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। एसी क्या है आपका, इट इज अ नोन फॉर द एंटीना कॉम्प्लेक्स। दूसरे शब्दों में बोला जाए तो इसको दूसरे नाम से क्या बोलते हैं, LHC बोलते हैं, मतलब लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। इसमें जो PS1 के अंदर ना कौन सी वेवलेंथ ऑफ लाइट एंटीना कॉम्प्लेक्स एब्जॉर्ब करेगा, उस वेवलेंथ ऑफ लाइट को बोलते हैं 7 नैनोमीटर वेवलेंथ ऑफ लाइट होती है आपके। तो मतलब P700 में आपका 7 वेवलेंथ ऑफ लाइट को प्लांट एब्जॉर्ब करता है और करता है PS1 करता है। वेयर एज अगर PS2 की बात किया जाए तो PS2 को ये दूसरे नाम से बोलते हैं P680। P680 के अंदर क्या होगा, इसमें पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज होगा, उस पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ लाइट जो होता है आपका 680 नैनोमीटर होता है। इसमें सिंपल सा भी सेम टू सेम है, सिंपल से क्या है, एक रिएक्शन सेंटर पिगमेंट होगा, दूसरा एक्सेसरीज पिगमेंट होगा, दोनों साथ मिलके एंटीना कॉम्प्लेक्स बनाएंगे और एंटीना कॉम्प्लेक्स को ही बोलते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। तो दोनों हमने देखा कि इसमें जो लाइट आ रहा है ना वेवलेंथ, उससे आपका 7 नैनोमीटर आ रहा है और इसमें जो वेवलेंथ आ रहा है कितना आ रहा है, 680 आपका नैनोमीटर आ रहा है। तो जब ना प्लांट एब्जॉर्ब करता है इतनी वेवलेंथ को 700 नैनोमीटर या 680 नैनोमीटर में, तो प्लांट के अंदर होता है कलेक्शन ऑफ एनर्जी। ठीक है, पर्टिकुलर वेवलेंथ के, और ये कलेक्शन ऑफ एनर्जीज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इसके अंदर जो होते हैं एक्साइटेड होते हैं। ठीक है, दोनों केस के अंदर कलेक्शन ऑफ एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रॉन जो होते हैं एक्साइटेड होते हैं, और ये एक्साइटमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका इलेक्ट्रॉन जो है लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी भागते हैं। आपको पता है ना कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं मोशन करते हैं, राइट, मूवमेंट करते हैं, तो यहाँ पे भी मूवमेंट होगा, लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पे मूवमेंट होगा, और ये जो लोअर से हायर एनर्जी मूवमेंट होता है ना उसको एक रिएक्टर पकड़ता है, हमारे अंदर भी एक रिएक्टर है, प्लांट का भी रिएक्टर होता है, वो पकड़ता है और उसको बोलते हैं PEP प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, PEP फॉर द प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो ये जो होता है PS1 के अंदर भी सेम होता है और PS2 के अंदर भी सेम होता है, मतलब प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है ना, इलेक्ट्रॉन जो आपका रिलीज हुआ एक्साइटेड हुआ क्लोरोफिल ए के द्वारा रिएक्शन सेंटर के द्वारा, उसको उन्होंने कैच करता है, मतलब उसको एब्जॉर्ब करता है, और इसका काम कौन करता है, PEP करता है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर।